नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे महागठबंधन के नए कैबिनेट के बारे में। क्षेत्रों के हिसाब से जानेंगे कि किन क्षेत्र में जो है कितने मंत्रियों को जो है जगह दी गई है। बिहार में कैबिनेट विस्तार के साथ ही साथ कई तरह की बातें कही जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, उसके 1 सप्ताह के बाद उन्होंने अपने कैबिनेट का विस्तार किया। बता दें कि महागठबंधन के साथ बनी कैबिनेट में राजद से सबसे ज़्यादा 16, जदयू से 11, कांग्रेस से 2, हम और 1 विधायक जो है वो निर्दलीय पद की शपथ दिलाई गई है। बता दें कि उन्हें विभाग भी बांट दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस बार की कैबिनेट में 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। इस बार की कैबिनेट में जदयू के पास वजन ज़्यादा है, कई बड़े विभाग उनके पास हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग, सामान्य प्रशासन के साथ 5 विभाग इनके पास है। इसके बाद वित्त विभाग जो है जदयू के ही मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास है। तो वहीं अगर हम तेजस्वी यादव की बात कर लें तो इनके पास स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के पास इस बार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। आइए अब हम जान लेते हैं क्षेत्र के हिसाब से कहां से कितने मंत्री बने हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन की इस सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री किस क्षेत्र से बनाए गए हैं। इसमें हम यह भी जानेंगे कि मगध, शाहबाद, सीमांचल, अंग प्रदेश के साथ छपरा और सिवान से कितने मंत्रियों को जगह दी गई है। मिथिला से बने मंत्री विजय कुमार चौधरी सरायगंज समस्तीपुर से हैं और इनको जो है ये मिथिला क्षेत्र से आते हैं, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। विजेंद्र प्रसाद यादव, संजय झा, लेसी सिंह, मदन सहनी, शीला मंडल, आलोक मेहता, समीर कुमार महासेठ, तेज प्रताप यादव, ललित यादव, ये जो हैं ये पूरा जो मंत्रिमंडल हमने बताया वो 10 जो मंत्री हैं वो मिथिला क्षेत्र से बने हैं। मगध से आने वाले मंत्रियों में अशोक कुमार चौधरी बरबीघा शेखपुरा से, श्रवण कुमार नालंदा मगध से, कुमार सर्वजीत बोधगया गया मगध से हैं, रामानंद यादव फतुहा पटना मगध से, सुरेंद्र यादव बेलागंज गया मगध से, कार्तिक सिंह पटना मगध से आते हैं, संतोष कुमार सुमन गया मगध से। सीमांचल से आने वाले मंत्री अफाफ आलम कस्बा विधानसभा इनका पूर्णिया से आते हैं, ये सीमांचल का इलाका है। मोहम्मद शाहनवाज अररिया जोकीहाट सीमांचल का ये इलाका है। शाहबाद से आने वाले मंत्री में जमा खान कैमूर से है, शाहबाद का पूरा इलाका आता है ये। सुधाकर सिंह रामगढ़ से हैं, कैमूर का पूरा इलाका है ये और ये भी इलाका जो है शाहबाद से आता है। मुरारी गौतम चेनारी रोहतास ये भी शाहबाद से आते हैं। अनीता देवी नोखा विधानसभा रोहतास में है और ये भी इलाका जो है शाहबाद के तहत आता है। तिरहुत से बने मंत्री इस्माइल मंसूरी कांटी विधानसभा है, मुजफ्फरपुर में आता है और ये तिरहुत का पूरा क्षेत्र है। समीम अहमद नरकटियागंज चंपारण का है और ये भी जो है तिरहुत के तहत आता है। अंग प्रदेश से आने वाले मंत्रियों में जयंत राज अमरपुर बांका का ये पूरा इलाका है और ये अंग प्रदेश से आते हैं, यानी कि ये पूरा इलाका जो है भागलपुर का है। सुमित कुमार सिंह चकाई जमुई में है और ये भी अंग प्रदेश से आते हैं। अब छपरा और सारण से जो मंत्री बने हैं उनका नाम है सुरेंद्र राम गड़खा छपरा में आता है, ये सारण का पूरा इलाका आता है। जितेंद्र राय बढ़ौरा सारण और ये भी जो है सारण से पूरा ये पूरा जो इलाका आता है वो है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है क्षेत्रों के हिसाब से इस बार जो है कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसमें किनको किनको जो है जगह मिली है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।